पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अजय शुक्ला को लेकर खुद दतिया कोतवाली पहुंचे और उसको पुलिस के सुपुत्र कर दिया। आपको बता दें, अजय शुक्ला कांग्रेस का कार्यकर्ता है और दतिया कोतवाली में गट्टी चोरी का प्रकरण कायम है। कोतवाली टीआई धनेन्द्र सिंह भदौरिया से बात करने पर जानकारी हुई कि विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, वरना विपक्ष का क्या फायदा। उन्होंने बताया कि जिस एडवोकेट गौरव के माध्यम से शुक्ला को उपस्थित कराया गया है उस पर भी दतिया कोतवाली में प्रकरण कायम है। वहीं दिग्विजय सिंह की माने तो कोतवाली टीआई न्यायालय में फरार आरोपी है और राजनीतिक संरक्षण में दतिया कोतवाली टीआई है। पूछे एक छोटे से काम के लिए इस तरह आरोपियों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह थाने पहुंचे, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पूर्व हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थाने पर आए, एक चोर को हाजिर कर गए और जिस चोर के साथ में जिस वकील को बिठाल के गए थे कि मोहर सिंह कौरव आप बैठो, उस पर भी हमारे यहाँ एक केस रजिस्टर्ड है। अच्छा, तो एक फरार आरोपी और उनके साथ? हाँ, उसको लेकिन वो अभी हाजिर करके नहीं गए हैं और मुझे ऐसा गिरफ्तार क्यों नहीं किया मैंने? नहीं, वो उनका ये कहना था कि शाम तक मैं और भी चोरों को लाऊंगा और भी कुछ लोगों को लाके पेश करूंगा, तो उसके साथ में वो उसको पेश कर देंगे, नहीं तो फिर उसको नोटिस देके या फिर अरेस्ट करेंगे उसको। अब ये अजय शुक्ला जो पकड़े गए, इन पर आगे कार्रवाई अपनी क्या रहेगी? उसकी माननीय न्यायालय ने अग्रिम बेल कैंसिल कर दी है, अब उसका हम जीआर भर के पेश करेंगे और 2 दिन का पीआर लेंगे।